नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कश्मीर में भीषण ठंड के कहर के बीच अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ऐसी कड़ाके की सर्दी में सूखी सब्जियों की बहुत मांग है। हम आपको बता दें कि कड़ाके की सर्दी के दौरान सूखी सब्जियों का उपयोग करना कश्मीर की सदियों पुरानी परंपराओं में से एक है। इस दौरान बाहर से सब्जियां आ नहीं पाती, इसलिए सूखी सब्जियों को ही मुख्य आहार माना जाता है। अब आपको बता दें कि कश्मीर में मौसम खराब रहने के कारण राजमार्ग के बार बार बंद रहने का परिणाम यह होता है कि ताजी सब्जियां बाहर से नहीं आ पाती हैं। इसलिए पहले से परंपरा चली आ रही है कि लोग सब्जियों को सुखाकर उनका भंडारण कर लेते थे। प्रभा साक्षी से बात करते हुए लोगों ने कहा कि पुराने समय में जब राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी बर्फबारी के कारण कश्मीर देश के बाकी हिस्सों से कट जाता था तो खाद्यान्न और सब्जियों की कमी हो जाती थी, इसलिए लोगों ने सब्जियों को सुखाकर उन्हें सर्दियों में इस्तेमाल करना शुरू किया, जो कि अब भी जारी है। लोगों ने बताया कि कश्मीरी सूखी सब्जियों में सूखे टमाटर, लौकी, बैंगन, शलगम और कमल ककड़ी शामिल हैं। हम आपको बता दें कि सूखी सब्जियों के साथ ही सूखी मछली भी बाजार में आ चुकी हैं। गोश्त के शौकीनों के लिए हरीसा की दुकानें भी पूरे कश्मीर में सजने लगी हैं। उल्लेखनीय है कि हरीसा गोश्त चावल व मसालों के मिश्रण से तैयार होने वाला विशेष व्यंजन है। हरीसा शरीर को अंदर से गर्म रखने के साथ कैलोरी को भी बनाए रखता है। आइए देखते हैं सूखी सब्जियों को लेकर क्या कह रहे हैं कश्मीर के लोग। मेरा नाम मुश्ताक अहमद है, भैया बैठा हूँ, 20 साल से ये काम कर रहा हूँ। ये विंटर में ज्यादा इस्तेमाल होता है सब्जी। ये गाँव से आते हैं, जो हमारी माँ बहनें हैं वो सुखाते हैं उसको, फिर जो बीच वाला है वो हमारे पास लाता है, हम उसे बेचते हैं। में होते हैं कद्दू होता है, टमाटर होता है, शलगम होता है, बैंगन होता है, और होता है गोगजार, उसमें बोलते हैं कश्मीरी में, वो होता है सूखा। बैंगन होता है, लहसुन होता है, मीठी होती है, ये हमारे पास सूख कर आता है। जो गांव में माँ बहनें रहते हैं ना, जो ज़मींदारी करते हैं, वो खुद सुखाते हैं फिर लाते हैं हमारे पास, हम बेचते हैं। यहाँ नवंबर दिसंबर में ज़्यादा चलता है, इन्हीं 2-3 महीनों में ज़्यादा ये खर्च होता है। देखिए, अगर ड्राई वेजिटेबल्स की बात करेंगे तो ये एक रिवाज है यहाँ पे हज़ारों सालों से, क्योंकि अभी तो बर्फ़बारी काफ़ी कम हो रही है, लेकिन अगर आप माजी में जाएंगे, आप पास में जाएंगे, तो तब यहाँ पे बर्फ़बारी काफ़ी हुआ करती थी। नेशनल हाईवे बिल्कुल कट ऑफ हुआ करता था और इतने एवेन्यूज़ भी नहीं हुआ करते थे, इतनी चीज़ें भी जो आजकल के दौर में मुहैया लोगों के लिए होती हैं वो इतनी नहीं होती थी। स्पेसिफ़िक कुछ चीज़ें होती थी जो लोग घरों में इस्तेमाल करते थे। तो एक कस्टम ये था जो अभी भी एक रिवाज कंटिन्यू है। यहाँ पे आप कश्मीर में देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो राशन का स्टॉक है वो आपको 12 महीने ह्यूज क्वांटिटी में मिलेगा। आपके पास जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो घरों में स्टॉक होता है। अब जो ड्राई वेजिटेबल्स हैं, एक रिवाज ये होता था कि जब भी सितंबर एंडिंग हो जाता था तो लोग इन ड्राई वेजिटेबल्स को पहले खरीदते थे, फिर इनको साफ़ करते थे, फिर सुखाते थे अच्छी खासी क्वांटिटी में, फिर पूरे विंटर्स उसको इस्तेमाल करते थे। उससे ये होता था कि आपको जब बर्फ़बारी ज़्यादा होती थी या नेशनल हाईवे कट ऑफ होता था या जब दुकानें बंद हो जाती थी बर्फ़बारी की वजह से, तो आपके पास एक ऐसी इजी चीज़ अवेलेबल घर में होती थी जो चीज़ आप आराम से इस्तेमाल करके पूरी फैमिली को खिला सकते थे। उसके बाद बहुत सारे साइंटिफिक वे में या मेडिकल वे में आप देखेंगे बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। आप ड्राई वेजिटेबल्स में टमाटर को सुखाते थे, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप कद्दू को सुखाते थे, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप सुखा के इस्तेमाल करते थे और आप ख़ुद भी खाते थे और लोगों में भी डिस्ट्रीब्यूट करते थे। उससे ये होता था कि आप इजी एक्सेस आपके पास घर में अवेलेबल होता था, आपको बाज़ार अननेसेसरी नहीं जाना पड़ता था और लोग उसको ज़्यादा पसंद भी करते थे। और जब यहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है उन चीज़ों से बहुत सारा फ़ायदा भी मिलता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।